ज अबाउट द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग सो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इट इन्वॉल्व द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्चुअल रिकवरी ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स आफ्टर द फर्मेंटेशन दैट इज नोन एज द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग तो फर्मेंटेशन के बाद देखो मान लीजिए कोई भी एक बैक्टीरिया है वो एक एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन कर सकता है उसके पास ये अबिलिटी है कि वो एंटीबायोटिक बना सकता है तो हम कोई भी माइक्रो ऑर्गैनिज़म का यूज़ करके अगर कोई हमें बेनिफिशियल चीज़ मिल रही है तो इंडस्ट्रीज़ चाहती है कि हम उसे बल्क में बनाएं तो इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं उसको लाइक बल्क में बनाने के लिए देर आर थ्री स्टेप्स सबसे पहले उसकी अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है जिसमें कि हम उसमें लाइक फोमेंटेशन से पहले के जितने भी स्टेप हो गए जिसमें हम इनोकुलम प्रिपेयर करते हैं मीडिया डेवलपमेंट करते हैं स्केल अप करते हैं इनाक्यूलेशन करते हैं स्टर्लाइजेशन करते हैं सो अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो so, पहले क्या होता है अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है उसके बाद फर्मेंटेशन होती है फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है उसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है एंड फिर फाइनली आपका क्या होता है रिकवरी करने के लिए हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं सो so, अगर लाइक like, जो हमने फर्मेंटेशन के बाद जो हमारा प्रोडक्ट आया है उसके साथ साथ सेल डिब्रिस भी आ चुका होता है कुछ टॉक्सन्स भी आ चुके होते हैं तो हमें क्या करना होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हमें रिकवर करना है हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्ट है जो हमारा यूजफुल प्रोडक्ट है आफ्टर द फर्मेंटेशन तो उसके वेरियस मेथड्स होते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में सो so, यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं स्टेप वन इज़ सेपरेशन उसके बाद सेल डिस्ट्रप्शन देन एक्सट्रैक्शन देन आइसोलेशन आफ्टर दैट प्योरीफिकेशन एंड एट लास्ट वी हैव ड्राइंग सो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले है सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स फर्स्ट स्टेप है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड इसके अंदर हम सेपरेट करते हैं सॉलिड सबस्टांसिस को फ्रॉम द लिक्विड मीडिया सो so, जितने भी लाइक आपके सॉलिड सब्सटेंसेस है सेल डेबरिस है या जो भी रिमेनिंग चीज़ें रह गई हैं वहाँ पे हम यहाँ पे लाइक जो भी इन सब्सटेंसेस सब्सटैंसेज हैं मीडिया के अंदर जो भी इन सब्सटेंसेस सब्सटेंसेज हैं उनको हम सेपरेट करते हैं तो पहला है यहाँ पर फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन इज़ यूज फॉर फिलामेंटस फंगी एंड बैक्टीरिया तो जो फिल्ट्रेशन है वो हम फिलामेंटस फंगी और बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं डिफरेंट फिल्ट्रेशन के मेथड्स हो सकते हैं जैसे सरफेस फिल्ट्रेशन डेप्थ फिल्ट्रेशन सेंट्रिफिकल फिल्ट्रेशन रोटेटिंग ड्रम वैक्यूम फिल्ट्रेशन उसके बाद आप सेंट्रिफिकेशन कर सकते हो सेंट्रिफिकेशन बैक्टीरिया के लिए या फिर यूजुअली प्रोटीन प्रेसिपिटेट्स के लिए एंड देन वी हैव द फ्लॉक्यूलेशन एंड फ्लोटेशन सो फ्लॉक्यूलेशन एंड फ्लोटेशन इज़ यूज फॉर स्मॉलर बैक्टीरियल सेल्स जिनका साइज काफ़ी छोटा होता है जिनको कि आप सेंट्रिफिकेशन से नहीं सेपरेट कर पाए तो उसके लिए हम फ्लॉक्यूलेशन और फ्लोटेशन यूज़ करते हैं और फ्लॉक्यूलेशन का मतलब है एग्रीगेशन ऑफ़ सेल्स फ्लॉक्यूलेशन मींस एग्रीगेशन ऑफ़ सेल्स व्हिच में बी इंड्यूस्ड बाय इनऑर्गेनिक सॉल्ट मिनरल्स और हाइड्रोकोलाइट्स एंड द ऑर्गेनिक पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स सो फ्लॉक्यूलेशन का मैंने कि हम एग्रीगेशन कर रहे हैं सेल्स का विद द हेल्प ऑफ द इनऑर्गैनिक सोल्स मिनरल्स और दर्गेनिक पॉली इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जाम्पल लाइक इट इज़ यूज फॉर स्मॉलर बैक्टीरियल साइज जिनका साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है कि आप सेंट्रफिकेशन से नहीं कर पाए उस केस में हम क्या करते हैं यहाँ पर हम फ्लाक्यूलेशन uh, का यूज़ करते हैं इफ फ्लॉक्यूलेशन इज़ नॉट इफेक्टिव दैन वेरी माइन्यूट गैस बबल्स इज मेड बाई स्पार्जिंग रिलीज ऑफ ओवर प्रेशर और इलेक्ट्रोलिस मतलब अगर आपका फ्लोक्यूलेशन इफेक्टिव नहीं है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया तो आपको वहाँ पर गैस बबल्स नजर आएंगे फ्लोटेशन की बात करें तो ये आप किसी भी केस में यूज़ कर सकते हो गैस अगर लाइक इन एनी केस अगर आपको ये लगता है कि गैस बबल्स नीड टू एडजॉर्ब एंड सराउंड द सेल रेजिंग द गैस बबल्स टू द सर्फिस ऑफ मीडिया इन द फोम ऑफ फोम की हेल्प से हम उसको जो गैस बबल्स हैं उनको ऊपर की तरफ ले आते हैं दैट इज़ फ्लोटेशन सो इस तरीके से हम क्या ले आते हैं उसको लाइक फ्लोटेशन के लाइक जो हमारे टाइनर बबल्स होते हैं और जो फ्लॉक्स होते हैं वो फिर फ्लोट होकर ऊपर आ जाते हैं फोम की फॉम में वो ऊपर आ जाते हैं ना द नेक्स्ट स्टेप इज़ द सेल डिसरप्शन सेल डिसरप्शन क्या होता है डिसरप्शन ऑफ माइक्रोबियल सेल्स लाइक अगर बैक्टीरिया है फंगी है जो भी माइक्रोबियल सेल्स हैं उनको डिसरप्शन कर रहे हैं हम सो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि उनका जो साइज़ होता है काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है उनकी जो सेल वॉल है लाइक like बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है काफ़ी रिजिट होती है एंड हाई ऑसमोटिक प्रेशर होता है इनसाइड द सेल सो डिसरप्शन ऑफ सेल इज़ जनरली अचीव बाय मकैनिकलीसज और ड्राइंग तो सबसे पहला मेथड क्या है मकैनिकली आप यूज मकैनिकली uh, हम सेल को डिस्टर्ब कर सकते हैं या फिर आप ड्राइंग की हेल्प ले सकते हो ड्राइंग ऑफ द सेल्स बाई एडिंग देम टू हाई कोल्ड एसीटोन और द एक्सट्रैक्टेड यूजिंग द बफर और द सॉल्ट सल्यूशन एंड देन आप क्या सकते कर सकते हो लिसिस कर सकते हो लेटिक एंजाइम्स का यूज़ कर सकते हो और स्मोटिक शॉक का यूज़ कर सकते हो द नेक्स्ट स्टेप इज द एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व द रिकवरी ऑफ द सिमिलर कंपाउंड लाइक इथेनॉल है इथेनॉल टाइप इथेनॉल के जैसा दिखने वाला कोई अगर सब्सटेंस है तो उसकी हमको रिकवरी करनी है फ्रॉम द मिक्सचर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है उसमें से सो so, इट Usually achieved both separation of particles as well as the concentration of the products कि particles भी separate हो जाते हैं और जो आपका product है वो भी आपको मिल जाता है। So process of extraction is frequently useful for recovery of antibiotics and most of the lipophilic substances। तो सबसे पहले आप लेगिस का जो extraction है वो आप तीन तरीके से कर सकते हो। पहला है liquid liquid extraction Action. सो लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन में फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एक्विस्ट लेयर हमने उसमें एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट डाला एंड एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट की आपको लेयर दिख रही है वो लेस डेंस है सो so, उसके बाद आपको शेक करना है एंड जो लेस है वो सेपरेट हो जाएंगी सो ऑर्गेनिक कंपाउंड ट्रांसफर्ड टू द सॉल्वेंट लेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सॉल्वेंट लेयर में ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है एक्वस लेयर को नीचे से निकाल लेना है सो so, जो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वहाँ पे आपको सिमिलर प्रोडक्ट्स मिलेंगे नॉट द एग्जैक्ट प्रोडक्ट जो एग्जैक्ट प्रोडक्ट होगा वो आपके वाटर के अंदर होगा मीन्स दो एक्वेस लेयर के अंदर होगा नेक्स्ट आप होल ब्रोथ एक्सट्रैक्शन कर सकते हो एक्वस मल्टीफेज एक्सट्रैक्शन भी हम कर सकते हैं और यू कैन डू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर प्रेसिपिटेशन भी आप कर सकते हो ओके सो द नेक्स्ट स्टेप इज द आइसोलेशन सो सम ऑफ द प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन में अकर ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन स्टेप हो सकता है कि एक्सट्रैक्शन स्टेप के अंदर आपका पूरा अच्छे से प्रोडक्ट ना निकला हो तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इवापोरेशन कर सकते हैं या फिर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन कर सकते हो लाइक द माइक्रो फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड यू कैन देन गो फॉर द आयन एक्सचेंज रीजन्स लाइक डेक्सट्रिन सेलॉस पोलियमाइन एट्सेट्रा एड्जॉर्पन रीजन्स दे इंक्लूड पोलर अ पोलर एंड द सेमी पोलर पोलर में आपके सल्फर ऑक्साइड और अमाइड ए पोलर में वी विल हैव द स्टाइरिन डाइवेनाइल बेंजीन एंड इन द सेमी पोलर दैट इज द

लिक्विफाइड मटेरियल्स के लिए यूज़ करते हैं सो दिस इज़ यूज फॉर द लो मोलिक्यूलर मास कंपाउंड्स लाइक द एंटीबायोटिक्स देन वी कैन यूज द क्रोमैडोग्रेफिक मेथड्स लाइक इट इज़ फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ लो मोलिक्युलर मास कंपाउंड्स फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सिमिलर मोलिक्यूल्स फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स एंड द मैक्रो मोलिक्यूल्स अब वेरियस टाइप की हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है लाइक एड्जॉपन क्रोमेटोग्राफी आयन एक्सचेंज जेल फिल्ट्रेशन हाइड्रोफोबिक, अफिनिटी एंड पार्टिशन क्रोमेटोग्राफी सो इस सारी की सारी क्रोमेटोग्राफी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ डिटेल में हम लेक्चर ले चुके हैं so, सो आपको प्ले लिस्ट टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन वाली प्लेलिस्ट में ये सारी की सारी जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं वो आपको मिल जाएंगी सो द नेक्स्ट स्टेप इज द ड्राइंग ड्राइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग विच मेक्स द प्रोडक्ट सुटेबल फॉर हैंडलिंग एंड स्टोरेज सो हम वैक्यूम ड्राॅइंग कर सकते हैं स्प्रे ड्राइंग फ्रीज ड्राइंग कर सकते हो एंड फाइनली जब हमारा ड्राई हो जाता है ड्राइंग का प्रोसेस हो जाता है, है तो वो जो प्रोडक्ट होता है उसको पैकेज करके मार्केटिंग करते हैं क्वालिटी कंट्रोल वगैरह ये सारे स्टेप होते हैं मतलब उसको मार्केटिंग उसकी हो जाती है सो हियर वी डिस्कस्ड अबाउट दी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग सबसे पहले हमने सेपरेशन देखा फिर सेल डिस्ट्रप्शन देन एक्सट्रैक्शन देन आइसोलेशन देन प्योरिफिकेशन एंड देन ड्राइंग सो दीज वर द स्टेप्स ऑफ द डाउन प्रोसेसिंग So that's all for today if you like the video do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates thank you and have a wonderful day